गुड डे बेटा मैं आपका दोस्त आपका टीचर राहुल शर्मा फिर एक बार आपके बीच हाजिर हूं बिल्कुल नई वीडियो के साथ बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इसके अंदर बेटा हम आटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हेड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन सिम्बॉइटिक रिलेशनशिप सेप्रो ट्रॉपिक न्यूट्रिशन और बहुत कुछ करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से समझने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है तो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बिल्कुल आसान है बेटा सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं बेटा फाइव टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स विटमिनस फैट्स रफेज और वाटर ये इंपॉर्टेंट बेटा न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिपेयर के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा उन न्यूट्रिएंट्स को टेकिंग अप द न्यूट्रिएंट्स उनको लेना एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी आप न्यूट्रिएंट्स को फूड भी कह सकते हैं टेकिंग अप द फूड एंड यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन यानी कि फूड को लेना और उस जिससे हमारी बॉडी ग्रो होती है हम डेली के काम कर सकते हैं हमारी वियर एंड टीयर जो बॉडी की होती है वो उसकी रिपेयर होती है बेटा ये होता है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मेनली टू टाइप्स का होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है बेटा ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी मेक देयर ओन फूड जो भी ऑर्गेनिजम्स मेनली प्लांट्स हैं मेक देयर ओन फूड इस प्रोसेस को बेटा इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं और ग्रीन प्लांट्स को और एलगी को आटोट्रोप्स कहते हैं दी ऑर्गेनिजम्स हु मेक देयर ओन फूड आर नोन एज आटोट्रोप्स हीट्रोट्रोप्स हो गए बेटा जैसे एनिमल्स हैं कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो अपना फूड किसी और से लेते हैं चाहे वो प्लांट्स से लेते हैं या अनदर एनिमल्स से लेते हैं ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है इन विच दे टेक देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इनको बेटा हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं जो अपना फूड किसी और से लेते हैं इनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं नेक्स्ट आ गया बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है मेनली ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है विद फोटोसिंथेसिस रिएक्शन द रिएक्शन इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट जिससे वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को देते हैं बेटा इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं अब वो थ्री मेन चीज़ें लेते कैसे हैं वाटर बेटा जो उनकी रूट्स हैं पहले तो जो प्लांट्स हैं उनकी किचन कहाँ है बेटा लीव्स आर दी किचन ऑफ दी प्लांट वो उनकी फूड फैक्ट्री है लीव्स पत्ते उनकी फूड फैक्ट्री है उनको तीन चीज़ें चीज़े चाहिए जो रूट्स हैं वो वाटर को सॉयल के अंदर से लेके लीव्स तक देती हैं जो लीव्स हैं उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होती है बेटा उसको क्लोरोफिल कहते हैं वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करती है जैसे हमारी नोज है उसी तरह लीव्स की भी एक नोज होती है बेटा स्टोमेटा वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है स्टोमेटा के थ्रू उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है रूट्स ने क्या किया लीव्स तक ले गया वाटर को और अनदर न्यूट्रिएंट्स को और क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर दिया और फोटोसिंथेसिस के थ्रू उन्होंने अपना फूड खुद बना लिया अब आ गया हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्योंकि इसमें हम सिर्फ प्लांट्स का ही न्यूट्रिशन कर रहे हैं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना फूड अनदर प्लांट्स से लेते हैं अनदर ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं बेटा इसकी बड़ी एक एग्जाम्पल है कैसकटा यानी कि अमरबेल आपने येलो कलर की एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखी होगी एक ट्री के ऊपर बहुत सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं येलो कलर की क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए दे डो नॉट मेक देयर ओन फूड तो अमरबेल जो है वो एक पैरासिट पैरासाइट है बेटा वो अपना फूड जिस ट्री से लेते हैं उसको होस्ट कहते हैं अमरबेल को पैरासिट और जिस ट्री से उसने अपना फूड लिया उसको होस्ट कहते हैं इसी तरह बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं इसके अंदर बेटा एक पिक्चर प्लांट होता है वो दोनों टाइप के न्यूट्रिशन करता है आटोट्रोपिक भी हिट्रोट्रोपिक भी अब आप पूछेंगे अगर वो अपना फूड खुद बना लेता है तो उसको हिट्रोट्रोपिक करने की क्यों ज़रूरत है क्योंकि बेटा वो उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से पूरे अपने सिस्टम को पूरे ट्री को पूरे प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकता इसलिए उसके जो लीव्स होते हैं उसके अंदर एक मोडिफाइड स्ट्रक्चर होती है पिक्चर की तरह घड़े की तरह उसके ऊपर बेटा एक लिड होता है उसके अंदर को हेयर्स लगे होते हैं डाउनवर्ड नीचे की तरफ जब भी कोई प्लांट उस पिक्चर के अंदर आ जाता है तो उन हेयर्स के अंदर ट्रैप हो जाता है फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता और ऊपर से लिड बंद हो जाता है उस इंसेक्ट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पिक्चर प्लांट ले लेता है तो प्लांट्स भी हैं जो हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमने कर लिया हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कर लिया बेटा सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपने ब्रेड देखा होगा उसके ऊपर बेटा कुछ आपने ग्रेश कलर के पैचेस देखे होंगे वो फंगस होती है लेदर के ऊपर पिकल के ऊपर बहुत सारे फूड पार्टिकल्स के ऊपर होती है फंगस क्या करती है बेटा जो वो फूड पार्टिकल है मॉइस्चर के दिनों में उसके ऊपर एक सोल्यूशन छोड़ती है जिसके कारण वो न्यूट्रिएंट्स को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है और जिससे वो न्यूट्रिएंट्स लेती है फंगस अपने न्यूट्रिएंट्स ओनली डेड और डिकेइंग मैटर से लेती है तो इसको सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं बेटा द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गे ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड फ्रॉम डेड और डेकेंग मैटर इज नोन एज सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन और फंगस को बेटा सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं इसी तरह बेटा मशरूम्स होते हैं ये होता है सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बेटा इसी तरह एक और न्यूट्रिशन का टाइप है सिम्बोटिक रिलेशनशिप सिम्बॉयटिक रिलेशनशिप जिसमें दो या मोर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और अपना फूड एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं इसमें बेटा लाइकेंस यानी कि लीचेंस हैं जिनसे लिटमस सोल्यूशन बनता है वो सिम्बॉइटिक रिलेशनशिप में दो चीज़ें रहती हैं फंगस एंड एल्गा बेटा जो एल्गा है मैंने बताया था ग्रीन कलर की ब्लू कलर की भी होती है जो एल्गा है वो इन्वायरमेंट से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करती है और फूड बनाती है बदले में जो फंगस है वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है फूड बनाने के लिए वाटर प्रोवाइड करती है और उसको शेल्टर देती है एल्गा को दोनों सिंबायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं एल्गा उसको खाना देती है और जो फंगस है उसको फूड देती है इसी तरह बेटा आ, कुछ ऐसे आ, और सिंबायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं जैसे राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया हैं वो प्लांट्स के नीचे रहते हैं और वो भी सिम्बॉइटिक रिलेशनशिप में होते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी आपने देखे होंगे उनके जो लीव्स हैं वो पर्पल कलर के पिंक कलर के या अनदर कलर्स के होते हैं तो कैन दे मेक देयर ओन फूड यस क्या उन वो बिना क्लोरोफिल के अपना फूड बना लेते हैं नो no. क्लोरोफिल के बिना फूड बनना असंभव है बेटा उनके अंदर क्लोरोफिल तो होती है पर जो कलर वो हमें दिखाई दे रहा है वो कलर उस कलर के ऊपर आ गया है यानी कि उसकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण उस कलर ने क्लोरोफिल के ग्रीन कलर को ढक लिया है उसके अंदर भी क्लोरोफिल होती है उन प्लांट्स के अंदर भी वो भी अपना फूड बनाते हैं लास्ट पॉइंट है बेटा इस चैप्टर के अंदर कि जो सॉयल है उसके अंदर जो फिर न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे रिप्लेनिश होते हैं वो कैसे बनते हैं हम बेटा जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसके साथ भी उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको मिलते हैं और अनदर मैं अभी आपको सिम्बॉटिक रिलेशनशिप में बता रहा था जो पल्सीज हैं बेटा लेगुमिनियस प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं उनके अंदर कुछ जड़ें होती हैं उन जड़ों वो जो जड़ें हैं वो इन्वायरमेंट से जो नाइट्रोजन गैस gas है गैसियस फॉर्म में खींच के उसको सोलूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को देती हैं बेटा इससे जो हमारे प्लांट्स हैं उससे जो नाइट्रोजन है उनको मिलती रहती है तो हमारा ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुका है उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेटा इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अग, अनदर कौन सी वीडियोज़ आपने देखनी है इसके लिए कमेंट जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा